ये बटन खुद बोल रही है कि हमें हमें भैया आप अपनी उंगली हटाइए, अब हमें हमारे जो हमारी आवाज़ लीड से निकल रही है वो उतना ही हम बजा। तो नमस्कार मित्रों, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर मित्रों आपने हारमोनियम को छोड़ दिया है बजाना, क्योंकि आप कोशिश करके बहुत वीडियोस देखकर ट्रेनिंग लेकर और फिर भी आपके बाजा यानी कि संगीतकार आप नहीं बन पाए, सिर्फ क्योंकि मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ समझाने वाला हूँ और हारमोनियम की वो ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आज से ही आप जो है हारमोनियम पर गाना बजाना सब कुछ करना सीख लेंगे एकदम से। इस वीडियो के साथ में शुरू से लेकर मैं आपको प्रूफ के साथ, आप एक बार वीडियो को देख कर तो देखिए, आपके ना समझ में आए तो हमसे कहना कि हाँ ये, क्योंकि बच्चा जब स्कूल में जाता है और बच्चे को सीधा हम डायरेक्ट जो है उसे टेंस पढ़ाना शुरू कर दें छोटे से बच्चे को, तो वो समझ जाएगा, नहीं समझ पाएगा। उसे तो सबसे पहले गोला करके बताया जाता है ना, जीरो बना करके, ऐसे जीरो बनाओ, उसके बाद में जो है उसे ए लिखना बताया जाता है कि ए इस तरीके से लिखो, या वर्णमाला इस तरीके से लिखो, बी किस तरीके से लिखी जाती, सी, तब वो बच्चा ए बी सी डी ऐसे पढ़ता है, ठीक है। उसके बाद में जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसे थोड़ा ज्ञान हो जाता है, फिर वो वर्ड को मिलाना शुरू हो जाता है, जैसे का और का के बाद में गा का और फिर माँ का प्लस माँ फिर ला तो कमल, ऐसे पढ़ाया जाता है ना प्लस प्लस करके कि ऐसे ऐसे बनाकर जो है तुमको ऐसा बनाना है। उसी प्रकार से मित्रों सैम आपको उसी प्रकार से एक हारमोनियम भी हमारी एक जो है वो विद्या है, उसको भी आप उसी प्रकार से सीख सकते हैं जब आप इसकी जड़ पकड़ेंगे, तब हारमोनियम की जड़ पकड़ेंगे और आप जो है सिर्फ हारमोनियम पर तीन बटन याद कर लेंगे, ठीक है, यानी एक दो तीन गा रे सा, ठीक है। ये मैं कहूँ तो यहाँ पर आप समझिए तीन बटने जो हैं ये मूल बटने हैं, यहाँ पर ये जो बटने आपको दिख रही गा रे सा, तो ये मित्रों कहीं ना कहीं मूल बटने हैं। इनको बटनों को अगर आपको, और आप अगर थोड़ा बहुत हारमोनियम बजाए होंगे या कुछ भी किए होंगे तो इनकी तोनालीज आपको होगी, ये गा है शुद्ध, ये रे है शुद्ध और ये हमारा सा है ना, तो गा रे सा। लेकिन इस गा रे सा का मतलब आप, यानी कि इस गा रे सा पर हमारा क्या क्या कर सकते हैं हम आगे बढ़ने के लिए, संगीतकार बनने के लिए, अगर आप फेल हो चुके हैं तो आप इन तीन बटनों को याद करके, आप इस सिर्फ ये तीन बटनों का खेल समझकर आप जो है आगे का खेल अपना बहुत अच्छा रचा सकते हैं, एक अच्छे संगीतकार बन सकते हैं और आज से ही आपका मन जो है संगीत में लगना शुरू हो जाएगा। आज से ही आप जो है संगीत में अपना मन लगाना शुरू कर देंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। जैसे यहाँ पर हम गा को पकड़े हैं, गा की आवाज़ समझ रहे हैं, रे की समझ रहे हैं और सा की। मित्रों आप लोगों को हम सौ सारे वीडियो में बता चुके हैं कि 12 बटनों पर ही वर्ड का हर गीत है, हर गाना है, 12 बटनों पर ही हर मतलब वर्ड का कोई सा गाना हो 12 बटनों पर है, बस निकालने के लिए उसको अकल चाहिए, यानी एक गाय भी होती है उसके थनों में दूध भी भरा होता है, उसे निकालने के लिए अकल चाहिए। चलिए इन बातों को छोड़ते हैं और आपको जो है मेन ट्रिक सीधा सीधा समझाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा समय लेना, विलंब ज़्यादा समय लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन समझाना तो पड़ता ही पड़ता है भैया थोड़ा बहुत। तो देखिए यहाँ पर हम आपको देखिए तीन बटने दब रही हैं यही, अब देखिए यहाँ पर हम कितने सारे सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, ये जड़ है तो ये जड़ को देखिए, जैसे पंख जो होते मैं उड़ जाती, तीन ही बटने दब रही हैं, तीन ही बटने दब रही हैं, गा रे सा पंख जो होते है ना मैं उड़ जाती। अब देखिए इन्हीं पर ओंठों से, बटने वही दबी हैं, गाना चेंज हो गया, बटने वही दबी हैं, गाना चेंज हो गया, हमने निकाला पंख जो होते मैं उड़ जाती, और इसी पर हमने निकाला ओठों से, दोनों गाना बटने उतनी दब रही हैं, लेकिन क्या हो रहा है ये दिमाग यहाँ पर लगाइए अपना कि क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, ये बटने वही दब रही हैं लेकिन चेंजिंग बहुत बड़ा हो रहा है, गाना बदल रहा है, स्वर भी वही लग रहे हैं लेकिन आवाज़ लय जो है वो चेंज हो रही है। आप समझने वाली बात यहाँ पर है कि जैसे, और देखिए आप, जैसे बाबुल का ये घर कोई, बटने वही तीन दबी हैं, बटने कोई दूसरी नहीं दबी यहाँ पर, बटने वही तीन दब रही हैं लेकिन गाना चेंज हो रहे हैं और उसी तरीके से उठ भी रहे हैं, हर गीत तो उसी तरीके से उठ रहा है, जैसे बाबुल का ये घर कोई है ना, ओठों से है ना छू लूं तुमको, अब ये तुमको तो बात की बात है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर यही मेन पॉइंट समझिए कि हमारे बटने तीन ही दब रही हैं, गाना तीन हो गए, तीन ही बटनों पर तीन गाने हमारे हो गए हैं और उसी तरीके से निकल रहे हैं, जैसे पहला निकाला हमने
पंख जो होते, दूसरा निकाला ओठों से, तीसरा निकाला बावल का ये घर कोई। अब वही यही चीज आपको समझनी है, वो हम समझाएंगे आगे वीडियो में क्या हो रहा है इनमें। और जैसे और देखिए, परदेसी परदेसी निकल रहा है, परदेसी परदेसी वही बटने देखिए वही दब रही हैं। गारे सा कितने गाने हो गए, चार गाने हो गए, ठीक है। अब ये सब नोट कर लेना अपनी डायरी में। अब देखिए तीसरा चौथा पांचवा, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो जय जय गोपाल बोलो, है ना। और देखिए कि अम्बे तू है जगदम्बे काली, है ना। अब देखिए कितने सारे गीत जो हैं हमारे, कितने सारे बटने सिर्फ यही तीन दब रही हैं। बटने जो मैं कहूँ तो कुछ ज्यादा नहीं, तीन ही बटने दब रही हैं। लेकिन जैसे एग्जाम्पल फॉर समझने की बात यहाँ पर ये है, जैसे हम गाना निकालने के लिए बैठे हारमोनियम पर गीत निकालने, तो देखिए एक चीज नोट कर लीजिए कि सा गा पा बॉलीवुड के या कोई सा भजन कीर्तन कुछ भी हो तो वो ज्यादातर 70% सा से उठेगा, गा से उठ सकता है और पा से उठ सकता है। इतनी बात पहले नोट कर लीजिए, सा गा पा ये आपको पहले नोट करना होगा। यहाँ से ही गाने उठेंगे ज्यादातर सा से, दूसरी बात में गा से, और तीसरा जो है पा से, ठीक है। अब यहाँ पर ही आपको समझना है मित्रों कि जैसे हम यहाँ से गाना हमने निकाला कि बाबुल का ये घर कोई। अब जो नए बिगिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, गाना निकालने के लिए बैठ जाते हैं, फिर वो बाबुल का ये घर कोई कुछ दिन का ठिकाना है, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनको एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है, किस तरीके से रुकना है, कहाँ तक कब तक रुकना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम एक बटन पर पूरा गाना अपना निकाल कर ये देखें इस गाने को, जैसे बाबुल का ये घर कोई कुछ दिन का ठिकाना है, ये न्यू बिगिनर्स करते हैं। लेकिन अब जैसे ही आप इस बटन पर उंगली रखेंगे और गाना, जैसे जहाँ से गाना स्टार्ट हुआ है, जहाँ से भी गीत स्टार्ट हुआ है, जिस भी जगह से, जिस भी स्केल से स्टार्ट हुआ है, ये आप जब आप गाना, एक चीज आप तभी निकाल पाएंगे, और सुनिएगा समझिए कि आप गाना तभी निकाल पाएंगे जब उस गाने को आपने अच्छी तरीके से सुन रखा हो, बहुत अच्छी तरीके से सुन रखा हो तभी आप गाना निकाल पाएंगे। अगर आपने अच्छी तरीके से गाने को नहीं सुन रखा सुना है तो आप कभी भी गाना नहीं निकाल पाएंगे। ध्यान रखिए, आप गाना तभी निकाल पाएंगे जब आपने अच्छी तरीके से गाने को सुना हो और गाने की धुन जो है वो आपको अच्छी तरीके से मालूम हो मित्रों, तभी गीत निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। जैसे ये मालूम होगा बाबुल का ये घर, या फिर परदेसी जाना नहीं, ऐसा होता होगा। अब देखिए यहाँ पर समझने की सब बात कि हमें उतनी देर तक, जैसे यहाँ पर हमने निकाला कि बाबुल का ये घर कोई, अब एक बटन पर ये बटन हमसे खुद कह देगी कि भैया हम पे पूरा हमारी हम पे उंगली रखे हो, हम पे ये पूरा नहीं हमारे मुंह से निकलेगा, ये हमारे रीड से आवाज़ जो निकल रही है ना ये बाहर, ये हम पे पूरी इस गाने की नहीं निकल रही है, आप अपनी उंगली हटाइए, जब तक आवश्यकता इसकी है तब तक आप इसको दबाइए, ये बटन खुद आपको बताएगी। लेकिन आपको समझना है, आपको बटन खुद बताएगी कि हमें इतनी देर तक ही बजना है कि बाबुल का ये घर। अब देखिए बाबुल का ये घर, बाबुल का ये घर, तो ये बटन कह रही है बाबुल का, बाबुल का ये इतना ही कह रही है बटन, ठीक है। इसका इतना ही उपयोग है कि बाबुल का ये घर। अब यहाँ पर ये इसको वहां पर हम बाबुल का ये घर कोई नहीं, इसकी भी उतनी ही आवश्यकता है, ये खुद बटन कह देगी भैया अब हमसे हट जाओ, आगे हमारे बस की बात नहीं है, बटन खुद बता देगी बाबुल का ये घर कोई, बाबुल का ये घर कोई, अब ये कुछ दिन का ठिकाना नहीं, कुछ दिन का, अब यहाँ पर हम कुछ दिन का ठिकाना है नहीं, अब बटन खुद बताएगी भैया आपको कुछ दिन का, अब ये कुछ इस पद निकला दिन, इस वाली ने दिन कर दिया, इसने कुछ कर दिया, इसने दिन कर दिया, अब इसने ठीक कुछ दिन का, इसने का तक आ गई, कुछ दिन का ठिकाना,
ठिकाना। लास्ट में इसका मतलब उतनी देर तक ही हमें काम बटन का लेना है जितनी देर तक उसकी आवश्यकता है। ज़्यादा देर तक हम अगर आवाज़ को लेंगे तो हमें नहीं एग्जैक्टली पता लग पाएगा, तो हमें उतनी देर तक ही बटन पर उंगली रखनी है जितनी देर तक आवश्यकता है।